एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, बेसिक इन्फॉर्मेशंस लेंगे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है इंट्रोडक्शन का। तो आज के इस इंट्रोडक्शन पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं और डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। तो आज के इस इंट्रोडक्शंस में हम इतने टॉपिक को क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो देखिए, अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिफाइन करें तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करना चाह रहे हैं तो इसमें हम लोग ये बोलते हैं कि जो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये बेसिकली किसका केमिस्ट्री है। तो ये है केमिस्ट्री किसका, कंपाउंड का। तो हम इसको ऐसे भी बोलते हैं, दिस इज केमिस्ट्री ऑफ कंपाउंड, सॉरी केमिस्ट्री ऑफ कार्बन। ठीक है, ये कार्बन का केमिस्ट्री है जिसमें हम लोग कार्बन्स के कंपाउंड्स, जिसको हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं, उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। या हम लोग इसको बोल सकते हैं केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, यानी हम लोग इस केमिस्ट्री में सिर्फ किसके बारे में बात करेंगे, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, अगर आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं, ये हम लोग इसका स्टडी जो करेंगे वो करेंगे किसमें, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। तो क्या क्या हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं, तो देखिए यहाँ पे हम लोग इसके बारे में, इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, इनके प्रिपरेशंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, इनके नोमेनक्लेचर के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, नोमेनक्लेचर, ठीक है, यहाँ पे जो नोमेनक्लेचर होगा वो हमारा कॉमन नेम, जिसको हम लोग ट्राइबल नेम भी बोलते हैं, कुछ नेम सोर्स से आते हैं, और फिर हम लोग आईपीएसी नोमेनक्लेचर की भी बात करेंगे। यहाँ पे हम लोग इनके प्रॉपर्टीज की भी बात करते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज में हम लोग यहाँ पे इनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, है ना। तो हम लोग यहाँ पे इनके केमिकल प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हम लोग इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे इनके यूजेस के बारे में भी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं, ये सारे टॉपिक्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि जो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली किसका केमिस्ट्री है, तो ये कार्बन का केमिस्ट्री है। और हम बोल सकते हैं कि ये केमिस्ट्री किसका है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चंस ये है कि आखिर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते क्या हैं। तो चलिए अब हम लोग इसको डिस्कस करने चल रहे हैं कि आखिर ऑर्गेनिक कंपाउंड होते क्या है। तो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। तो देखिए, अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिफाइन करें, ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो हम इनको बोल सकते हैं कि देखिए, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ये हाइड्रोकार्बन भी होते हैं, जितने भी आपके हाइड्रोकार्बन्स हैं, ठीक है, ये सारे के सारे जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, ये सारे के सारे हाइड्रोकार्बन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, और डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स भी होते हैं। ठीक है, डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। तो आप ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको बोलोगे, तो आप ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलोगे किसको, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हम बोलेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन्स है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है, डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन है। यानी अगर मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एक साथ लिखूं तो मैं बोल सकता हूं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है, ये हाइड्रोकार्बन भी है, हाइड्रोकार्बन भी है और
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है जी, डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन भी है। मैं इसको DOH लिख रहा हूं, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहां पे बोल सकते हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ये हाइड्रोकार्बन्स हैं और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। देखिए बेसिकली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये आपका कंपाउंड ऑफ कार्बन है, ठीक है। अगर हम बोलें तो हम इसको बोल सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कंपाउंड्स ऑफ कार्बन होते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको कुछ एक्सेप्शन देखने होंगे, क्या क्या एक्सेप्शन है, तो एक्सेप्ट एक्सेप्ट जैसे कि CO2 ये ऑर्गेनिक नहीं होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड ये भी ऑर्गेनिक नहीं हो सकता है, जैसे सोडियम साइनाइड ये भी आपका ऑर्गेनिक नहीं होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट Na2CO3, ठीक है, यानी कार्बोनेट अगर आपके पास है, सॉरी Na2CO3 ये कार्बोनेट है, और अगर आपके पास बाइकार्बोनेट है तो NaHCO3, ठीक है। ये सब के सब क्या है, दीज आर नॉट ऑर्गेनिक। साथ ही साथ इनके एलोट्रॉप्स की भी अगर बात करोगे, एलोट्रॉप्स ऑफ क्या, कार्बन, ठीक है, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं कहलाते हैं क्योंकि ये तो एलिमेंटल फॉर्म्स में है। तो एलोट्रॉप्स में आप क्या ले सकते हो, आप ग्रेफाइट ले सकते हो, तो ये हो गया आपका ग्रेफाइट, डायमंड बोल सकते हो, ठीक है, डायमंड, ठीक है, और हम लोग यहाँ पे फुलेरीन्स बोल सकते हैं, जिसको हम लोग बकमिनिस्टर भी बोलते हैं, फुलेरीन्स, ठीक है। ये इतने जो हैं दीज आर नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड। इस तरह आप सिंपली अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में बोलना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंपाउंड्स ऑफ कार्बन होते हैं, एक्सेप्ट CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, सोडियम साइनाइड यानी साइनाइड यहाँ पे, और सोडियम कार्बोनेट, कार्बोनेट और भी हो सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, दीज ऑल आर नॉट व्हाट, ऑर्गेनिक कंपाउंड। चलिए अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं और वो हमारा टॉपिक है, दैट इज हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो हमने अभी पढ़ा कि जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है ये हाइड्रोकार्बन भी होता है और डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन भी होता है। तो अब हम लोग यहाँ पे जो देखने जा रहे हैं वो किसको देखने जा रहे हैं, हाइड्रोकार्बन को। तो देखिए बेसिकली हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो हाइड्रोकार्बन होता है कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, यानी ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो, कार्बन हो और हाइड्रोजन हो, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो आप इसको बोल सकते हो कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, आप इसको क्या बोल सकते हो, आप इसको बोल सकते हो कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। ये दो ही मिलके हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन करते हैं। और हाइड्रोकार्बन क्या है, तो हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, OC हम क्या लिख सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, जैसे अगर मैं बोलूं आपके पास एल्केन है, ठीक है, तो एल्केन किसका एग्जाम्पल है, तो एल्केन एग्जाम्पल है हाइड्रोकार्बन का। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2, ठीक है, जहाँ पे आप n की वैल्यू क्या पुट कर सकते हो, 1, 2 एंड सो ऑन। जैसे आप इसका एग्जाम्पल देख सकते हो, ठीक है, अगर मैं इसका एग्जाम्पल लूँ एल्केन का, तो एल्केन का एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं क्या, CH4, ठीक है, फिर हम लेंगे C2H6, दो वैल्यू पुट करिए, फिर आप वैल्यू C3H8 एंड सो ऑन, इस तरीके से आप ले सकते हैं। उसी तरीके से अगर मैं दूसरा हाइड्रोकार्बन लूँ तो वो है आपका एल्कीन, और एल्कीन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n, ठीक है, जहाँ n की जो वैल्यू है वो n की वैल्यू आप 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, एंड याद रखिए n की वैल्यू यहाँ पे 1 नहीं हो सकता है। अब आप एग्जाम्पल के लिए ले सकते हो, जैसे कि आपके पास है C2H4,
ठीक है, C3H6, C4H8 एंड एक्सेट्रा। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है हाइड्रोकार्बन का वो है एल्काइन, तो नेक्स्ट आप लिख सकते हो एल्काइन, और एल्काइन में हम जनरल फॉर्मूला क्या लिखेंगे, CnH2n-2, जहाँ n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 से, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, एंड सो ऑन। एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखें तो आप यहाँ पे ले सकते हो C2H2, इसका फर्स्ट मेंबर है, फिर आगे बढ़िए C3, ये आपका H4 होगा, C4H6 होगा, एंड सो ऑन। और लास्ट में हम लोग हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे, और ये है एरोमेटिक कंपाउंड्स। ये क्या है जी, आपका एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स भी आपका एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, किसके, हाइड्रोकार्बन्स के, जैसे कि आपके पास बेंजीन है, ठीक है, तो एरोमेटिक का जो मेंबर है वो आपका क्या है, बेंजीन है, जैसे कि C6H6 एक्सेट्रा। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, और ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं ये किसके एग्जाम्पल्स हैं, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं हाइड्रोकार्बन के। और आपने ये बोला कि हाइड्रोकार्बन में कार्बन होगा और हाइड्रोजन होगा, तो आप देख लीजिए जितने भी आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख रहे हैं सभी में कार्बन और हाइड्रोजन ही है, ठीक है। तो आपका एल्केन भी हाइड्रोकार्बन है, अगर आप एल्कीन की बात करें तो देखिए इसमें भी कार्बन और हाइड्रोजन ही है, अगर आप एल्काइन की बात करते हैं तो यहाँ भी कार्बन और हाइड्रोजन है, और अगर आप बेंजीन की बात कर रहे हैं तो यहाँ भी कार्बन और हाइड्रोजन है। तो अगर आपसे जब भी पूछा जाए कि आप हाइड्रोकार्बन को पहचानिए, तो आप क्या बोलिएगा कि आपको क्या देखना है कि वहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन है कि नहीं, ठीक है। और ये हाइड्रोकार्बन क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यानी देखिए जितने भी हाइड्रोकार्बन है वो सबके सब क्या हो सकते हैं, और हाइड्रोकार्बन्स हो सकते हैं, यानी जितने भी ऑर्गेनिक जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं वो सबके सब क्या हो सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो सकते हैं, लेकिन सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन्स नहीं हो सकते, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स भी आते हैं, और डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स हाइड्रोकार्बन्स नहीं होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स में हम लोग को हमेशा क्या देखना है कि आपके पास कार्बन होने चाहिए और आपके पास क्या होने चाहिए, हाइड्रोजन होने चाहिए। अब चलिए हम नेक्स्ट जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो अब देखेंगे कि जो आपका डेरिवेटिव्स होता है हाइड्रोकार्बन के ये क्या होते हैं। तो डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स, तो चलिए डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स के बारे में हम डिस्कस करें। तो अगर डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स की बात करें तो यहाँ से हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे DOH, ठीक है। अब देखिए होता क्या है डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन में, होता क्या है, अगर आपके पास कोई भी हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, तो आप उस हाइड्रोकार्बन से क्या कर लीजिए, एक कोई या मोर देन वन, वन और मोर देन वन हाइड्रोजन को क्या करिए, रिमूव करिए, और उसके जगह पे कोई ग्रुप लगा दीजिए, जैसे मैंने जी ग्रुप लगा दिया। तो अब यहाँ पे जो भी आपको कंपाउंड बनेगा, यहाँ पे आपको जो भी कंपाउंड मिलेगा, इस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक है। जैसे एग्जांपल्स से हम लोग इसको समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपके पास CH4 है, ठीक है, और CH4 से आपने क्या किया, एक हाइड्रोजन को लगा दिया, और इसके बदले हमने यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया, तो हमारे पास बनेगा CH3 और ये हो जाएगा आपका Cl, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या कहलाएगा, ये आपको कहलाएगा डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक है, जबकि ये क्या कहलाएगा, ये आपको कहलाएगा हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो इस तरीके से आप और भी हाइड्रोजन निकाल सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास CH4 है, अब इस CH4 से अगर मैं दो हाइड्रोजन को निकाल देता हूँ, ठीक है, तो इसके बदले मुझे दो Cl लेना पड़ेगा, तो दो Cl को अगर मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ तो ये हमारा क्या कहलाएगा, CH2, और ये कहलाएगा CH Cl2। तो यहाँ पे भी ये जो कंपाउंड बना, इस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो इस तरीके से आप डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन बना सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपके पास CH4 है, ठीक है, यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से H हटा दिया और यहाँ पे हमने OH ग्रुप को अटैच कर दिया, तो आपके पास क्या बन गया, CH3, और ये बन गया OH,
यानी ये भी आपका क्या कहलाएगा, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन कैसे बन रहे हैं, आप क्या कर रहे हो कि जो भी आपके पास हाइड्रोकार्बन है उसमें से जो भी उसके हाइड्रोजन है उसको आप रिप्लेस कर रहे हो, ठीक है, उसको आप क्या कर रहे हो, रिप्लेस कर रहे हो किससे, कोई भी एटम, जैसे कि एक्स एटम ले लिए या ग्रुप ऑफ एटम जैसे NO2 के साथ, ठीक है, जैसे OH से, तो इनसे अगर हम इसको रिप्लेस कर देते हैं तो जो भी हमारे पास क्या मिलता है, जो भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेट इज कॉल्ड डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो आप क्या बोल सकते हो कि जो डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन है ये क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, यानी डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है जी, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन भी हो सकता है और डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन भी हो सकता है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिफाइन किया, हाइड्रोकार्बन को डिफाइन किया और डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन को भी डिफाइन किया। अब देखिए इस पे आपसे क्वेश्चंस कैसे पूछा जा सकता है उसको अब हम लोग देखते हैं। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, और आपके पास ऑप्शन है CH4, बी ऑप्शन है CH3Cl, सी ऑप्शन है NaCl, NaCN एंड लास्ट ऑप्शन है आपका ऑल। तो देखिए अगर फर्स्ट ऑप्शंस की बात करते हैं तो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, और कार्बन और हाइड्रोजन को आप क्या बोलते हो, हाइड्रोकार्बन बोलते हो, और हाइड्रोकार्बन क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, तो ये तो ऑप्शन सही नहीं है। यहाँ पे देखिए आपको क्या देख रहे हैं, यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन है साथ ही साथ कोई ग्रुप आके जुड़ा हुआ है, यानी ये जो है ये डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन है और डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये सोडियम साइनाइड है, और सोडियम साइनाइड अभी हमने एक्सेप्शन में देखा कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। तो आपका आंसर क्या हो गया, तो आपका आंसर हो गया सी पार्ट यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया कि जो नीचे ऑप्शन दिया गया है उसमें हाइड्रोकार्बन कौन है। तो देखिए हाइड्रोकार्बन के डेफिनेशन से हम जानते हैं कि हाइड्रोकार्बन में कार्बन के साथ साथ क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पे भी कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, यहाँ भी कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, तो ये सारे के सारे जो ऑप्शन है वो आपके करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं जिसमें आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, और इसमें आप क्या देख रहे हैं, CH4 दिया गया है, CH3Cl दिया गया है, NaCN दिया गया और ऑल दिया है। तो देखिए NaCN तो ऑर्गेनिक होता ही नहीं है, तो डेरिवेटिव ऑफ ऑर्गेनिक की बात ही नहीं। अब देखिए ये जो ग्रुप है अगर मैं इसको हटा के इसमें अगर H लगा दूं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, CH4 हो जाएगा। इसका ये मतलब हुआ कि ये डिराइव हुआ है हाइड्रोकार्बन से, ठीक है, ये वाला तो हमारा हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, तो ये वाला जो आंसर है ये आंसर हमारा करेक्ट है, दिस इज कॉल्ड डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो थैंक यू, आज के लिए हम लोग यहीं तक रुकते हैं। तो आज की क्लास में हमने जो डिस्कस किया, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके जो वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो है उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।